तो देखिए यहाँ पर जो है जो बंद ट्रक आती है जो गाड़ी उसको भी चेक किया जाता है ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, हमको जिस पर शक होता है उसको पक्का गाड़ी रोकवा करके हम लोग चेक करते हैं सर। जिस पर शक होता है, जो बंद गाड़ी होता है? हाँ, जो बंद गाड़ी होता है तिरपाल खोलवा करके हम उसका चेक करते हैं। हाँ, तिरपाल खोलवा कर चेक करते हैं? हाँ बिल्कुल, तिरपाल खोलवा करके चेक करेंगे सर। हम आदमी रखे हुए हैं, उन आदमी को चढ़ाते हैं और चढ़ा करके इनको हम पक्का चेक करते हैं और यहाँ तक और इनको जो है एकदम बिल्कुल ये जितना छल्ली है ये छल्ली पूरा हटवाते हैं यहाँ तक। हाँ यहाँ तक हटवाते हैं। ये चेक पहले से हो रहा था? जी 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 जी। अभी चेक करना चालू किया कि पहले से ही? नहीं नहीं नहीं, अभी चेक, अभी तो गाड़ी लगी है, देखिए ये रस्सी खोल रहे हैं। अच्छा, ये रस्सी खोल करके पूरा हमको चेक कराएंगे गाड़ी की, हमारा गाड़ी में शराब नहीं है। शराब नहीं है जी, शराब ही वाला चेक होगा। सिर्फ हम शराब ही चेक करते हैं और कुछ नहीं चेक करते हैं, बाकी जो कुछ होगा वो आप आगे आगे। चलिए देखिए इस तरीके से शराब की चेकिंग हो रही है, ऊपर में जो है वो सर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी पहल है और होना भी चाहिए, ताकि जो है इस तरीके से अगर ये ट्रक वाले हैं या अगर शराब लेकर के जाते हैं तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। ये देखिए पूरा रस्सी खोला जा रहा है, चेक किया जा रहा है, और ये है बदलाव और ये है अच्छे ऑफिसर की ये जो है पोस्टिंग, अच्छे ऑफिसर की ये जो है काबिलियत, अच्छे ऑफिसर के जो है यहाँ पर दिख रहा दिखाई दे रहा आपको ड्यूटी देखने को मिल रहा होगा। ये यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है ASI मनोज कुमार, जो आप देखिए कि किस तरीके से चेक कर रहे हैं। पूरे गाड़ी को चेक किया जाएगा, आगे में भी ट्रक लगी हुई है उसको भी चेक किया जाए। वो चेक हो गया क्या? उनको नहीं चेक करना है, उसमें हम लोग को पहले पता चल जाता है कि उसमें कुछ नहीं है। हाँ। फिर भी हम लोग ऐसे मोटा मोटी देख लेते हैं उनको। अच्छा, उसमें हाँ उसमें भी हम चेक करेंगे। हाँ, हाँ। कि आखिर में क्या है, देखिए पर दिखा दीजिए, देखिए कैसे चेकिंग हो रहा है। हाँ। ये लोग चेक कर रहे हैं, तो ये बिहार पुलिस जो है अब धीरे धीरे सुधार कर रही है। जैसे यहाँ पर नए DGP साहब आए हैं वो बहुत सुधार कर रहे हैं, है कि नहीं सर? जी 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 सर, जी सर एकदम बिल्कुल। हाँ ये देखिए इसमें भी क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन चेकिंग तो हो रहा है। इसमें क्या है, क्या है इसमें? अंगूर है सर। अंगूर है? हाँ सर। अच्छा अंगूर है कि अंगूर का जूस है? अंगूर ही है सर। अंगूर ही है ना, कहाँ से ला रहे हैं माल? ये उधर वो नासिक से आता है। नासिक से ला रहे हैं। खलासी कहाँ है? खलासी ऊपर है ना? हाँ चेक कराइए पूरा। हाँ। चेक करा के उसके बाद आप गाड़ी लेके जाइएगा। जहाँ तक आदमी बोलेगा आपको नीचे तक चेक कराना है, आपको पूरा टोकरी हटाना है भाई, ठीक है? ये मेरी ड्यूटी है, इसको हमको करना पड़ेगा। चलिए तो देखिए ये शराब की चेकिंग हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर एक चीज और है सर, बिहार में शराब बंदी होने से इन लोगों को भी थोड़ा परेशानी बढ़ा। परेशानी तो है सर। हाँ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं सर? हम अगर न्यूज दिखा रहे हैं तो इनके तरफ से भी बोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये माल लोडिंग करके ले जा रहे हैं, इनको तो परेशानी है ये ना सर। अभी देखिए कितने परेशान होंगे ये लोग, माल उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ाना पड़ेगा। इनको सरकार से हम ये आग्रह करते हैं कि इनको कुछ ऐसा दिया जाए, पर्चा, हाँ पर्चा दिया जाए, ताकि हम इस गाड़ी को ना चेक कर पाए, चेक करें, और वो पर्चा दे करके हम समझ जाए कि ये गाड़ी ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये देखिए अगर कच्चा माल जो होगा, जैसे कि जो सब्जी लेकर के जाते हैं तो उनको मंडी में सही समय पर पहुंचना होता है, और जो पहले पहुंचते हैं मंडी में उनके लिए इनाम भी रहता है, और वो गाड़ी अगर चेकिंग में चला आया तो वो तो छूट जाएंगे। नहीं तो हम जो गाड़ी को चेक करते हैं ना। हाँ। फिर ये ड्राइवर लोग अपने मालिक को वहाँ बताते हैं। हाँ। कि हम चेकिंग में फंसे हुए हैं। हाँ। सर चेक कर लेंगे। हाँ। उसके बाद आपकी गाड़ी आगे जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट वाला तो इनाम छूट जाएगा ना। अब तो ये जाने सर कि इनका इनाम छूटता है कि क्या होता है। होता है, मैं जानता हूँ। तो ये है स्थिति, देखिए यहाँ पर चेकिंग हो रही है, इसमें अंगूर भरा हुआ, आप देखिए यहाँ पर अंगूर दिख रहा है, ये अंगूर है। लेकिन सर इसमें ये चीज है ना। हाँ। कि हमको खाली खाली ये देखने से काम नहीं चलेगा, अंदर में देखना है, अंदर में देखना है। हाँ। कम से कम 3 कैरेट हटा करके 4 हाँ। कैरेट हटा करके देखेंगे अंगूर का जूस तो नहीं ना है। अंगूर का जूस तो नहीं है सर। जी। हाँ। सर जी सर बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए अंगूर है लेकिन अंगूर के जूस चेक किया जा रहा है, यानी कि शराब को चेकिंग किया जा रहा है। तो ये अपना ड्यूटी तो सही तरीके से कर रहे हैं, इनके लिए सैल्यूट है। लेकिन सर जैसे ये सर बताएं कि यहाँ पर इन लोगों की ऐसा कोई पर्ची दिया जाए जिसको जिससे उस गाड़ी को हम चेक न करें, उस गाड़ी को हम लोग परेशान न करें, क्योंकि देखिए अब ये जो है पूरा जो है हटाना पड़ेगा, उसके बाद इनका चेकिंग होगा, तो सोचिए कि कितना समय लगेगा और परेशानियाँ भी बढ़ेगी। लेकिन बिहार में शराबबंदी है तो ये चेकिंग होना चाहिए, और ये चेकिंग होना ही चाहिए, क्योंकि शराब पीने से बिहार में कई लोगों की मौत हो गई है, और ये बदलाव होना चाहिए। और जो छपरा में शराब पिए थे लोग, और उसके बाद जो सिवान में शराब पीने से लोगों की मौत हो गई थी, उस शराब जो था कोलकाता से आया था,
जहाँ तक लोगों ने बताया था कोलकाता से शराब वो आए थे इसी चेक पोस्ट पर कुछ दिन पहले, आज से कम 15-20 दिन पहले, झारखंड से आ रही थी शराब कि पंजाब से आ रही थी, पंजाब से यहाँ। हाँ, और वो एक ट्रक इसी तरह का पकड़े हैं हम लोग, जो कि थाना में हम लोग जमा किए हैं। बताइए शराब, तो अब शराब मिल रहा तो चेकिंग तो होगा ही जी जी, और एस केस आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगा ही। तो इसी तरह से चेक करने में वो पकड़ाया था। हाँ, हाँ, उसमें संतरा नारंगी था, ऊपर अच्छा। से सरा हुआ। हाँ, और भीतर पूरा कार्टून अंदर रखा हुआ था। बताइए, हो सकता है ये अंगूर है अंदर। हाँ, में अंदर में वो होगा। ये 3-4 कार्टून हम हटाएंगे। हाँ, तो हमको पता चल जाएगा, उतना अनुभव है हम लोग को। हाँ, कि हम लोग इसको क्लियर कर लेते। वैसे भी आप बहुत पुराने अब यहाँ के जो ऑफिसर हैं, तो इस तरीके से तो आपको अनुभव होगा। जी जी, जो जिस लाइन में रहता है उसको अनुभव हो जाता है कि कौन से गाड़ी में ये चीज़ें हो सकता है, कौन से गाड़ी में शराब हो सकता है, ये अनुभव हो जाता है, और वो उस हिसाब से काम भी करते हैं। ये पटना जिला के लास्ट सीमा है, आगे से अरवल जिला जो है चालू हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे थे कि कैसे जो है शराब की चेकिंग हो रही है। और देखिए ये गाड़ी है, इस गाड़ी में अंगूर लादा हुआ है, लेकिन अंदर में क्या है वो चेक किया जा रहा है। हो सकता है कि अंगूर के अंदर में जूस भी होगा, इसलिए इसको चेकिंग किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। चाचा जी हैं, क्या नाम हो चाचा? क्या नाम हुआ? यही घर है ना? यहाँ नहीं है। अच्छा, ये इस तरीके से चेक हो रहा है, ये कितना सही है कि नहीं? सही है, बढ़िया है ना? आप लोग इस तरीके से है ना, खुद जनता क्या चाहती है? नहीं, अच्छा चाहती है। हाँ, ये चेकिंग होना चाहिए कि नहीं? हाँ, शराब बंदी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बंद होना। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग तो भाग भी गए, लेकिन शराब बंद से भी पूछ लिया जाए, ये दुकानदार सर से भी पूछ लिया जाए, यहाँ हम रोकवा के ट्रक बिल्कुल चेक करते हैं। हाँ, पूछिए ना, आजो तो दो ट्रक चेक किए, पूछिए दुकानदार से। हाँ, अभी तो सामने दो दिख रहा है, एक तीन गो दिख रहा है यहाँ पर, तो दो दिख रहा है। देखिए वहाँ पर कैसे चेक हो रहा है, देखिए ऊपर में हटाया जा रहा है, देखिए कैसे हटाया जा रहा है ये पूरा। तो ये जो है अंगूर इसमें लदा हुआ था, और इसमें भी अंगूर है, क्या है पता नहीं, लेकिन चेकिंग हो रहा है यहाँ पर, और शराब का चेकिंग होना चाहिए। यहाँ पर प्रयास ये रहती है कि कोई भी गाड़ी जो है शराब से लदी हुई पार ना हो, और कोई भी शराबी इधर से ना पार हो, ये चीज़ें हैं। और देखिए इसको हटा के चेक किया जा रहा है। उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज़, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। और देखिए यहाँ पर ASI मनोज कुमार जो हैं किस तरीके से अपना ड्यूटी को निभा रहे हैं। गर्व है मुझे कि हमारे बिहार में इस तरीके के जवाज ऑफिसर हैं, है ना? जी 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 सर, जी सर, ठीक है, आपका ठीक है, तो है। हाँ, मुझे गर्व है कि आपके जैसा यहाँ पर ऑफिसर यहाँ पर मुस्तैद से तैनात है सर, ताकि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी ना हो रहा हो, यहाँ से कोई भी शराबी पास ना कर रहे हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज़, चित्रंजन कुशवाहा के साथ और जाबाज ऑफिसर ASI मनोज कुमार के साथ। नमस्कार, जय हिंद।